आला सैयद अंबिया वल मुरसलीन सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सर फरोशी के फसाने में। मैं पंजाबी चाह जावा मेरे चस नहीं आनी गल करन दी, मैं बड़ी गलत डाके रखी हुई है भाई। मैं खानदर कढ़ने वाले को पूछता हाँ भाई खोदी क्यों ने, उधर तुसी हो या इधर असी हैं, सानू दसो ना सही भाई कटी खंदक क्यों ने, उधर कौन है इधर कौन है। खंदक तां खोल दी गई सी उधरों कोई होर आ रहे सन, इधरों आकर दे गुलाम सन। मैनू सिर्फ इतना दस दियो भाई तुसी कौन हो ते असी कौन है। शायराना जोर बनया नवाबजादा का शेर है बड़ा कमाल, कहता फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है। और कब कटी है शबे हिजरा अश्क बहाने से, और कब कोई बना सिर्फ दुआओं से टली है। हम रहे दश्त बना रोजे अजल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है। हम रहे दश्त बना सानू आजमा लो, असी तुहानू कदी नहीं आजमाया क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सानू आजमा लो तो सवेरे सही पब्बी छेड़ लांदे हो, पब्बी छेड़ लांदे हो, इस तरह ना करो, असी तुहाडे नाल नहीं टकराना चाहते। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी है पूरी हुकूमत है इस नाल तो साडा मसला ही कोई नहीं, साडा तो मसला उन्हां नाल है जिहड़े जनाब हवा के बैठे हुए हैं। और पूरी हुकूमत नूं हक ही हासिल नहीं कि वो साडा रस्ता रोके, पंजाब पुलिस नूं हक हासिल ही नहीं कि वो साडा रस्ता रोके। एक कानूनी भी बात है आईनी भी बात है, क्योंकि इतने अबूरी हुकूमत है और अबूरी भी अबूरी भी आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी तकरीबन, ते तुहाडा हक ही नहीं सानू रोको, असी कोई दावा नहीं करते। ये पुरानी गल्लां हो गई, खंदका खोदनिया कोई नवी शह लियाओ। शाह साहब के सामने मैं पढ़े थे ना, गए वो दिन जब तेरे दीवाने थे हम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। अल्लाह की कसम इतना भी दिल से गल नहीं है कि तू सा खंदक खोदी हो अगे, असि ये चाहते हैं। और मैं साढ़े चट्टा साहब ने दसिया भाई, वो कहने स्टेज ला लो अद्धा घंटे का टाइम है जे, वरना असि स्टेज लै जावे, असी चाहते तुम स्टेज लै जाओ, फिर सराय आलमगीर तो काफिला उदो टुरेगा जो तुम आप स्टेज ला के जाओ। लै जाओ स्टेज, एलसीडी होनगियां, ट्राला होएगा, फ्लैक्स होनगियां, दरियां होनगियां, वो साउंड होएगा, बा यही रहना। लै जाओ सवेरे काफिला उदो अगे तां टुरेगा तुसी आप लैके आओगे, जे नहीं तो फिर असी नवा स्टेज ते नवा ट्राला फैजाबाद जाके लावांगे। और तुहाडी मर्जी, असी तो तुहाडे जनाब कोर्ट च गेंद रखी हुई, क्योंकि तकरीर बहुत सारी हो चुकी हैं। मैं मोड़ दिया, मैं जरा जटकी जी गल कर दिया भाई, मेरी गल सुनो। ये तुसा 1.5 साल बाद जो कहना कि हमने किसी लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोका था, राज बगल के पुत्र बनो, क्यों कौम के बच्चे आपस लड़वाना चाहते हो? ये पुलिस वाले भावे वर्दी पा के खड़े साडे बिरान, सानू दसते पैन भाई कित्थे की किवें क्यों किस तरह। हुण साडे बाबा जी पुलिस वाली गड्डी नाल लगे, ते पुलिस वाला भाई आया और नवे जुतियां दे जोड़े दे के गया, कहिंदा जी इहना बाबा जी नूं साडी तरफों पवा देना, इहनां दे पैरां जुतियां कोई नहीं सर। ते तुसी इस मुहब्बत नूं नफरत विच क्यों बदलना चाहते हो?
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਿੰਧ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕੇਪੀਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਉਹ ਕਵੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਮੇਰੀ ਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜੇਲਮ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ? ਜੇਲਮ ਤਾਂ ਔਲੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਮੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਥੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨ ਮਚਾਇਆ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਆਤੀ ਹੈ ਨਰਗਾਏ ਰਹਜ਼ਨ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਦਾ, ਆਤੀ ਹੈ ਨਰਗਾਏ ਰਹਜ਼ਨ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਦਾ, ਫਰਾਜ਼ਦਾਰ ਸੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕਹੀਂ ਕਾਰਵਾਨੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੰਦਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲੱਭੇ। ਖਾਰੀਆਂ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਗਾਤ, ਬਲਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜਵਾ ਬੇਕਰ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਕਸ ਐਂਡ ਬੇਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੰਬਾਲਾ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਔਰ ਇਤਨਾ ਪੁਰ ਵਕਾਰ ਔਰ ਇਤਨਾ ਪੁਰ ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 11 ਵਜੇ, ਚਲੋ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਬਾਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰੀਏ, ਅਜੀ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਡੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਤ, ਰੋਡ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਮ 'ਤੇ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਓ ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਤਨੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਮੋਸ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਿਓ,
असी अडियाला जेल भी भरी हुई, अटक जेल भी भरी हुई, हाँ जी पिंडी जेल भी भरी हुई, असी जनाब लाहौर कोट लखपत भी भरी हुई, जेलम जेल भी भरी हुई, हाजाबाद जेल भी भरी हुई, पाकिस्तान की ऐसी कोई जेल नहीं जिथे असी ना गया हुई लबैक वाले, हाँ जी जेल अस वेखी हुई, असा फटे भी वेखे हुए। रही गल तुहानू डर देवे कि पाकिस्तान के वारिस जाग चुके हैं तो इन्हों का नारा सुन लो, ये कहते हैं हथकड़ी पा के भी, हथकड़ी पा के भी, थाने जा के भी, फोर शेड्यूल लगा के भी, दहशतगर्दी का परचा कटा के भी, जेलों में जाके भी, कोठियों से जाके भी, जनाब दहशतगर्दियों दी कोर्टा में जाके भी, FIA दी सेल जाके भी, हुकूमत खाने जाके भी, जे वेला आया मुमताज कादरी तरह फट्टे से चढ़ के भी लगा। और इन्हों तकलीफ ये कि पाकिस्तान के बारे जाग पे जिन्हें बैडमिंटन खेलते हैं लक सही है ते नमाज पढ़ते हैं लक्का दर्द होता, असं गल सारी जानने पिछली, हाँ सारी गल् जानने पिछलियाँ, मैं तो होर भी बड़िया जानना, मैं उस चौक सैल च रह के आया जिथे रह के आया, इन्हें जिमें जेलां कटियां तो जी गल है मैं सारी जानना, वह मुनासिब नहीं करनी भाई व्डे की यह सूरत हाल है और रोंद हो लंदन गया तो इनकी की सूरत हाल होनी, सोचो तो सही, तो जे दूजे कहते सर हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे, वाह सब के जाओ हैं जी रोंद हो बहर आए तो जितने दिन वो पकड़े गए ना उस तो उतने तो महीने भी नहीं कटे, जितने महीने साढ़े बजुर्गों कटे उतने तो दिन भी नहीं तुसा जेलों से कटे, है जी उन्हें बार बसा करार दी, उन्हें कहा हाँ भाई आज़ादी की जंग किए कहने लड़नी, उन्हें कहा जनाब कोई बंदा कोई नहीं आज़ादी की जंग लड़ने वाला, उन्हें कहा घर किए कहने जाना, उन्हें कहा जी है, उन्हें कहा बस है जे चलो सवार हो जाओ, जो उन्होंने सवारियां पूरी की ना उन्हें कहा ए लवो परचे घर नहीं जाना पहले प्रेस क्लब जाना, जो तुहानू लिख के दिता वह पढ़ के सुनाना, तो बाबा जी तुहानू बदवा दे गए भाई इन्हें भी रोना रो के भी नाल दिखाना, उस दे मुताबिक रो के भी नाल दिखाना ते फिर घर जाना, न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम फरियाद यूं करते, नाराज खुलते सरबस्ता, और चलो ए हो नहीं हैं इन्हों का रस्ता बनीकाला भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता बिलावल हाउस भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता मनी लॉन्ड्रिंग वाल भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता ओमनी अकाउंट्स की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता एवन फील्ड की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता जनाब जाति उम्र की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता न्यूयॉर्क की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता सिंगापुर और अमेरिका की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता वाशिंगटन की तरफ भी नहीं जाता, इन्हों का रस्ता मदीना तैमा की तरफ जाता, कोई नवी शेवं लैके आओ ताकि सानू पता लगे कि तुसी कुफर दे पक्के एजेंट हो, तुहानू तकलीफ हो गई इस चीज़ ना कि लबैक का नारा क्यों लग रहा, भाई साढ़े मुतालबात केड़े हैं, है जी साढ़े मुतालबात कोई गलत हैं, साढ़े मुतालबात हैं कि जिन्हें जिन्हें भी उस्ताखी रसूल की थी मुकद्दसात इस्लाम की बेहरमती की थी उन्होंने फिर फौर सजा दी जाए, उन्होंने फिर फौर जल्द अज जल्द जनाब कानूनी तरीके ना सजा दी जाए, ठीक है जी। दूसरी साड़ी गल है वे कि जो तुस इस मुल्क के अंदर 76 साल तो बदमाशी मचाई हुई, जड़ा आता हर क्यामत तामीर 9 साल, जड़ा आता कहना पिछले लुट के खा गए, और मैं क्या ये पिछले तो 36 साल के पिछले तो ए बन ये गंजे की हुकूमत रही ना पिछले साल, तो गंजूर साहब तुहानू कोई गलत फहमी, मैं बड़ा मठा मठा लगा रहा ना तुहानू कोई गलत फहमी है, मैं
हया करना भी चलो कोई नहीं उम्र बाबे होरी जो कहन वो कहन, लेकिन एहो जे पंगे लवोगे ना तो फिर तुहानू मेरे कोलो कोई नरमी की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हाँ सियासी जंग होवे या मैदान की जंग होवे या अमरी जंग होवे, तू प्यो तो है ना हमजे नू बुला बारो तो उन्हें इतने संदर करके खड़ा कर। तेरे को जे इतनी जनाब तू कहना कि असी नहीं आन देना, तू लिया कट्ठे कर उधरों सारे गुल्लू भट्ट ते खड़े कर सामने। तू कौम दे बच्चे नू क्यों लड़वाना चाहता आपस में? पुलिस वाले साढ़े भाई, सिक्योरिटी ब्रांच वाले साढ़े भाई, स्पेशल ब्रांच वाले साढ़े भाई, ऐ जितनी भी फोर्सेज हैं रेंजर हो गए फौज हो गए साढ़े बिरा असी ना चोए रहे। तेनू बहुत डकर का शौक है ना, तू हमजा शबाद नू लै गया और जड़े नेड़े दो रखे ना लंदन विच हुसैन ते असर अगर तेन बहुत ही खारिश हो रही ना तहरीक का मार्च रोकने वास्ते ते और दो बबलू भी बुला रहे हैं, करीम पफ रोल भी बुला लै हूं कह रहे गैर पार्लीमानी और बेशर्मो है पार्लीमानी तरीका एक खंदक खोड़ना पार्लीमानी। मैं तो पूछा भाई खंदक कदों खोदी गई सी, सानू दसो ना तुसी कौन हो असी कौन हाँ, और पाकिस्तान साढ़े बड़े ने बनाया और तुहाडे वड्डे तां जिहड़े सन ना उस टाइम लोहे कुट रहे सन हैं जी, उस टाइम भट्ठियां बंदे साड़ रहे सन और साढ़े वड्डे सन अलामा फजल खैराबादी अहमदुल्ला शाह मदरासी किफायत अली काफी सदरुद्दीन आजुर्दा हसरत मोहानी जड़े अंग्रेज के खिलाफ जनाब जहाद कर रहे सन, उन्हां दी जेलां भी कट रहे सन, उन्हां दे जुल्म और तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे सन और कह रहा सन हसरत मोहानी 27 साल चक्की पीण तो बाद जब अंग्रेज आके कहंदा सी माफी मांग ला छुट्टी लिख जाए लिख के दे दे जो तू लिखना चाहता वो लिख के दे दे, इतने तो लिखिया पढ़ रहे ना वो कहते सन जो तू लिख के जाना बड़ा समझदार आदमी को फिर भी जी गल लिख दे। आपने फरमाया है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तोहफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो पर हमसे कसम ले लो और शाहों के तकबर से भी दम फिर न रहा। मैं तुहानू सच्ची गल दसदा जे इत्थे आजादी वाला होंदा ना जना, और जना तो नहीं वो तो बंदा भी नहीं जने तो है बनना वो आजादी वाला बकरोटा बल्कि खोता इमरान खान की गल कर रहा हूं। जे उन्हें पता लगे होंगे ना भाई ये खंडक खो चुकी हैं ते ओंदी ब्रेक शौकत खानम दौरे नहीं सी लगनी, ये तो हजूर दे गुलामन कोई एक भी नहीं गया बल्कि काफले दे काफले आ गए। ये जान दे बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से, हाँ बढ़ता है शौक, हाँ ये तो हमारा शौक और बढ़ गया है। पहले तो हो सकता असी लियाकत बाज जलसा करके वापस आ जाए आ जाते, हुण तो असी सोच रहे हैं भी जलसा तोड़ करके आना। कोई परेशानी तो नहीं, बस इतनी गल है जे डकर का शौक है तो सवेरे सारे ले आओ, आप आओ जनाब असी आप आए ना, कोई कीमे दे नाना ते आया भाई, कोई तनखा दे, कोई दिहाड़ी दे, कोई बिरयानी दे डब्बे दे, असी सारे आप आया। जरूरत करो बुलाओ लहरो और बुढ़ रहे थड़ी बुला लो, सारे गुल्लू बट बुला लो सामने खड़े करो तो फिर देख लें भाई तुम डक लेंगे हो कि नहीं। इन्हें बेचारे पुलिस वाले का की कसूर है, ये तनखावा लेंगे ये जनाब कौम की ये चोर डाकू फड़न वास्ते, अगर फड़ना ना सरकार ने कोई सही काम लेना तो बजरदारी हथ खड़ी लवाओ तो अपने पैरों भी हथ बेड़िया पवाओ। हाँ और तुम बोल गए होने मैनू सारिया याद हैं, आशियाना भी याद है, भट्ठा केस भी याद है, हाफिज साहब का जलना भी याद है, मैनू सारे याद हैं, मसीदा के स्पीकर नवाने भी याद हैं, कनखड़िया साहब बाबा जी कहते सर वजीर आजम नहीं है कनखड़िया, इस वजीर आजम की पूरी सियासत बूटा से शुरू होती गोडिया तक, गोडिया से शुरू होती बूटा तक, इनकी तमाम सियासत और तमाम हुकूमत इतों इतने तक है। असं सारिया जानने बंदे बनो
इदारियां नाल सानू ना सामना आमना सामना कराओ। जरूरतमंद बनो, घरों बंदे लैके आओ। और जनाब जिंदे अकाउंट चो निकले सन अरब रुपए, की ना सी उंदा मिस्त्री नहीं आज जी मनी जड़ा इन्हों मकसूद दर्जी ओनू लियाओ, मकसूद चपड़ासी ओनू लियाओ चुप के। और सरकार जिन्होंने अरब खवाए जो उन्होंने हलाल कर वेले लियाओ सामने। इन्हों 35-35 50-50 हज़ार बेचारे कौम दे मुल्क दे जनाब इदारे के मुलाजमान क्यों सामने खड़ा कर दो। लियाओ मकसूद चपड़ासी आज जनाब लियाओ उस कहते साबर दर्जी जिन्हों के जनाब अकाउंट से मजे करते रहो। अज बुलाओ हमजा साहब को मारो, उन्हें कहा जी औखा वेला आ गया, कुरबानी देनी वतन वास्ते। ये लबैक वाले वतन दुश्मन आखो उन्हू जे तुस असी गलत हाँ तो घरों बंदे लियाओ ना। असी तो बिरा भी नाल लिया, चाचे भी नाल लिया, ताए भी नाल लिया, ए जनाब कजन भी नाल लिया, पुप्पी जाद भी नाल लिया, मामे जाद भी नाल लिया, बिरा भी लिया, उस्ताद भी लिया, शगिर्द भी लिया, दोस्त भी लिया, यार भी लिया, कारकुनान भी लिया, बिरा भी लिया। इक्तदार के मजे तुसी लवो ते तुहाडियां भोगां पुलिस भुगते, ये तो नहीं ना हो सकता। इक्तदार के मजे तुसी लवो ते तुहाडियां भोगां इदारे भुगते, ये तो नहीं ना हो सकता। अपनी जंग अपने डंडा ते लड़ो, आओ मैदान च जने बनो, जने और जना हो जिन्हां दी लत्तां साढ़े दीने इत्थे पहुंचण ते खारियां पहुंचण ते कम रहियां, वह जने। ये तो जनाब साढ़े वे उन्होंने सानू सबक पढ़ाया हो, वरना असी भी जनाब यहोजे हालात वेख के नस नस जाना सी। ये तो बाबा जी ने दस्या होया ना, ये दस्या होया ये सफर है कुएं जाना, यहां कदम कदम बनाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। और असी अलहमदुल्ला मुस्तनद रस्ते दे, असी मुस्तनद रस्ते दे। और साडा मुस्तनद रस्ता की है कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। ये तुहाडी वजह नाल काफला और रोड खराब हो रहा है, असी तो रोड खाली करके सोने हूँ। अगे जितने भी रोड बंद हो गए तुहाडी वजह नाल, खंदक तुसी खोदियां असा तो नहीं बखोदियां। असी तो जनाब जलसा खत्म किया, अद्धा घंटा पौना घंटा जनाब रोड खाली कर दिता, ट्रैफिक रवान दवा, किसी को कोई तबलीक नहीं, तकलीफ नहीं। और जनाब हूँ जी कौम खजल और खवार हो रही और इधर आए उधर नहीं जा सकते, वो सारिया तुहाड़िया वजूहत। कराची तो लैके इतने तक कोई रोड बंद नहीं होया, असी जलसा किया, रोड खोल दिता, ट्रैफिक खुद गुजारी, एंबुलेंस खुद गुजारी, जनाब जनाब फौजियों गड्डियां खुद गुजारियां, पुलिस गड्डियां खुद गुजारियां, एंबुलेंसा खुद गुजारियां, 11-22 दी गड्डियां खुद गुजारियां। हूँ तो सब बंद की हुई, इंशाल्लाह असी आके रोड खुलवा देंगे। है हाँ, आज बड़े एम्बुलेंस फंसे हुए, आज तो नजर नहीं आ रहे होंगे किसी को। इंशाल्लाह हम सुबह जाकर एम्बुलेंस भी निकलवाएंगे, ट्रैफिक भी निकलवाएंगे। कैसी बात है, अजब ही चाल चलते हैं दीवान गणेश। हाँ जी, रियासत का काम है ट्रैफिक चलाना, ये काम भी इंशाल्लाह लबैक वाले सुबह करेंगे। करोगे भाई, हम वहां जाना है ट्रैफिक की रवानी के लिए, ताकि ट्रैफिक रवान दवा हो जाए, एम्बुलेंस से गुजर सके, गाड़ियां गुजर सके, मरीज गुजर सके, बसें गुजर सके, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। हमने जाकर सुबह खंदे के भरनी है, रवाना करना है इंशाल्लाह। हम किस लिए जा रहे हैं वहां, रास्ते खुलवाने के लिए, ट्रैफिक की रवानी के लिए। और हुकूमत ने क्या किया है, रास्ते रोके हुए हैं, कितनी बुरी बात है। रस्ते रोकना कितनी गलत बात है, किसने रोका हुआ है रास्ता भाई, किसने रोका हुआ है। हमने सुबह जाकर क्या करना है, रास्ता खुलवाना है, ट्रैफिक की रवानी बहाल करानी है और खंदकों को भर के बराबर करना है रोड के।
ताकि गुजरने वालों को ज्यादा जंप ना लगे। ये हमारा इंशाल्लाह सुबह का प्लान है। आप जरा नारा लगाएं, सारे हाथ खड़ा करके।